25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर न केवल दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होनी थी बल्कि ये दो बड़े सितारों के फ्यूचर को भी तय करने वाली थी। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन दोनों के लिए 25 जनवरी से पहले तक वक्त कुछ खास नहीं चल रहा था। दोनों ही स्टार्स की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। शाहरुख के लिए तो ये वक्त और भी मुश्किल था क्योंकि शाहरुख की एक नहीं दो फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। हालांकि 25 जनवरी दोनों स्टार्स के लिए लकी रही और दोनों की फिल्मों ने अनुमान के मुताबिक बिजनेस किया। नो डाउट कि इस टक्कर से दोनों की फिल्मों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ऋतिक और शाहरुख इस बात से खुश होंगे कि उनके काम को ऑडियंस ने पसंद किया है। रईस वर्सेस काबिल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कंपेयर करें तो समझ में आता है कि रईस जहां हिट हुई है वहीं काबिल प्रॉफिट में रही है। चलिए सबसे पहले आपको रईस का बिजनेस समझाते हैं। रईस का बजट 100 करोड़ का था। पहले वीकेंड पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की, यानी फिल्म ने पहले ही वीकेंड पर अपनी लागत निकाल ली थी। फिल्म के म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स 65 करोड़ रुपए में बिके हैं। 65 करोड़ की कमाई फिल्म ओवरसीज के जरिए कर चुकी है, यानी कुल मिलाकर फिल्म 230 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। अभी कुछ दिनों फिल्म की कमाई और जारी रहने का अनुमान है, ऐसे में फिल्म ओवरऑल 300 करोड़ का बिजनेस जरूर कर जाएगी। अब बात ऋतिक की काबिल की। काबिल भले ही बॉक्स ऑफिस पर रईस जितनी दमदार कमाई न कर पाई हो, लेकिन फिल्म प्रॉफिट के मामले में रईस से आगे है। जहां रईस 100 करोड़ में बनी थी, वहीं काबिल का बजट केवल 50 करोड़ ही था। पहले वीकेंड पर फिल्म ने 60 करोड़ की कमाई की थी, यानी फिल्म पहले ही वीकेंड प्रॉफिट में आ गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 80 करोड़ हो चुकी है, जिसके 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 40 करोड़ के आसपास फिल्म का ओवरसीज बिजनेस रहने का अनुमान है, जबकि सैटेलाइट एंड म्यूजिक राइट्स के जरिए फिल्म को 65 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। इस तरह काबिल की कुल कमाई 220 से 250 करोड़ के बीच रहने का अनुमान है। तो साफ है कि शाहरुख की फिल्म जहां अपने बजट की तुलना में 3 गुना कमाई करेगी, वहीं काबिल 5 गुना। अब भले ही बॉक्स ऑफिस की जंग शाहरुख ने जीत ली हो, लेकिन प्रॉफिट में काबिल ही आगे है।